इलेक्शन ओपन बैलेट पर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से राय तलब। वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर सदर मुमलिकत ने रेफरेंस पर दस्तखत कर दिए। रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा। पुलिस को एक एक गोली का हिसाब देना होगा। कराची में रवा माह 3 जाली पुलिस मुकाबलों के बाद सिंध हाई कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी कर दी। पुलिस मोबाइल इंचार्ज का नाम, थाने से रवानगी का वक्त और स्टाफ की मुकम्मल तफसील FIR में लिखना होगी। सरकारी असला मुकाबले के बाद सील किया जाएगा। जाए वकुआ से मिलने वाले कॉल का फौरन फोरेंसिक होगा। मुलजिमान के ट्रांसपोर्ट से लेकर असले तक की तफसील चालान में शामिल होगी। चालान मंजूरी से पहले जज अच्छी तरह जायजा लेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की इस्लामाबाद पुलिस पासिंग आउट परेड में शिरकत। खिताब में कहा, तबाही का रास्ता अपनाने वाले पैसा बनाकर अजाब कमा लेते हैं। बाप की चोरी छुपाने के लिए बच्चों को झूठ बोलना पड़ रहा है। माजी के सियासतदान इबरत का निशान है। वज़ीर आज़म ने कह दिया, पुलिस को मिलने वाली तनख्वाह काफ़ी नहीं, इजाफे के लिए वज़ीर ख़जाना से बात करने की यकीन दहानी। पुलिस को हेल्थ कार्ड देने का भी ऐलान कर दिया। ये हमारा बड़ा प्रोग्राम है नया पाकिस्तान हाउसिंग में, ख़ास तौर पे आप जैसे पुलिस वालों के लिए, सरकारी नौकरों के लिए। तो वो इंशाल्लाह हम पुलिस से शुरू करेंगे और हम हेल्थ कार्ड्स भी आपसे शुरू करेंगे। अपोजिशन इत्तेहाद PDM की हुकूमत मुखालिफ तहरीक के अगले राउंड की तैयारियां। PDM कायदीन कर्नल शेर खान इंटरचेंज स्वाबी से रैली के साथ मर्दान रिंग रोड पहुंचेंगे। इंतजामिया ने मर्दान में रैली की इजाजत नहीं दी है। मरियम नवाज का काफिला स्वात एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा पहुंच गया। कारकुनों ने फूल और नोट बरसाकर इस्तकबाल किया। अम्मा दुआ करो, अल्लाह परेशान नहीं है। लेके गए जिंदा। न्यू कराची की आइस फैक्ट्री में कंप्रेसर फटने से धमाके में जानबाज़ अफराद की तादाद 10 हो गई। 30 जख्मी अस्पताल में जेरे इलाज हैं। 5 मैयतें शनाख्त के बाद आबाई इलाकों को रवाना कर दी गई। मंगल को जिस वक्त धमाका हुआ, फैक्ट्री में 50 के करीब अमला मौजूद था। मलबा हटाने का काम जारी। कोरोना वायरस संगीन, मजीद 84 अफराद लुकमे अजल बन गए। 2142 नए केसेस रिपोर्ट, 4400 से ज्यादा सेहतियाब। फाल केसेस 37905 रह गए। मुसन्निफ़ और मिज़ानिगार अनवर मकसूद भी कोरोना में मुब्तला हो गए। सेहतियाबी की दुआ की दरख्वास्त।